हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केवीएस पेशेंट चैनल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने केवीएस इंटरव्यू की सीरीज स्टार्ट कर दी है और क्लास वन का लेक्चर भी अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो वो जरूर देखिए, क्योंकि उसमें हमने सारी बेसिक चीज़ों के बारे में बात की है, जैसे कि बेसिक एटिकेट्स, आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है, आपको कैसे टीचर्स को ग्रीट करना है, आपको आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस लेवल कैसे मेंटेन करने के टिप्स हैं उनमें, तो वो सब आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो आप मिस करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं आपका इंटरव्यू में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और आज हम क्लास टू की वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं, तो इस वीडियो में हमें सारा बेसिक नॉलेज के बारे में हम जानेंगे। और आपको क्लास वन का जो क्लास का लेक्चर था उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए आज हम जानते हैं कि आपको किन चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए केवीएस के इंटरव्यू में बैठने से पहले। वैसे तो हमने फर्स्ट वाली वीडियो में भी आपको सिटिंग पोस्चर के बारे में बताया है, लेकिन यहाँ एक बार हम क्लियर दोबारा से करना चाहेंगे कि जैसे कि आप इस फोटो में देख रहे हो कि एक लड़की बिल्कुल स्ट्रेट बैकबोन के साथ बैठी है और एक लड़की जैसे बिल्कुल रिलैक्स्ड पोजीशन में बैठी है। तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपकी बैकबोन बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, जैसा कि पिक्चर वन में है जहाँ टिक लगा हुआ है, तो आपको यही चीज़ मेंटेन करके रखनी है। क्योंकि हम जब बैठते हैं तो हम बिल्कुल स्ट्रेट होके नहीं बैठते, अपने घर में बिल्कुल रिलैक्स होके बैठते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर अवॉइड करनी है और आपको स्ट्रेट बैठना है। और जहाँ तक बात है कि आपको ग्रीट करने की, मैंने कहा था आपको गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बोलना है। अगर आपको लग रहा है कि हमें गुड मॉर्निंग सर या गुड मॉर्निंग मैम बोलना है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं वो भी मैं बताती हूँ। अगर आपके इंटरव्यू रूम में दो टीचर्स मेल बैठे हैं और दो टीचर्स फीमेल बैठी हैं, तो आप गुड मॉर्निंग सर्स एंड गुड मॉर्निंग मैम्स भी बोल सकते हैं, इसमें कुछ भी गलत नहीं होगा। और आपको क्या रखना है कि आपको कॉन्फिडेंटली गुड मॉर्निंग विश करना है और आई कॉन्टैक्ट बनाकर रखना है। मतलब आपको जैसे गुड मॉर्निंग सर बोल रहे हैं तो दो बैठे हैं तो दोनों की तरफ आपकी नज़रें जानी चाहिए, जब आप गुड मॉर्निंग मैम्स बोल रहे हैं तो आपकी दोनों फीमेल टीचर्स की तरफ आपकी नज़रें होनी चाहिए। तो इस तरीके से भी आप गुड मॉर्निंग विश कर सकते हैं। और आपको पहले जाते ही बैठना नहीं है, पहले आप खड़े होकर ही उनको विश करेंगे, देन वो जब आपको बैठने के लिए कहेंगे तब आपको बैठना है और थैंक यू बोलना है। ये मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखें। आइए बात करते हैं कि आपको अपना फोल्डर कैसे होल्ड करना है। जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर करते हैं तो आपको अपना फोल्डर जैसे इस फोटो में दिखाया हुआ है उसी पोजीशन में आपका फोल्डर होना चाहिए। मतलब जहां से आपका फोल्डर ओपन होता है वो चीज़ ऊपर ही होनी चाहिए, और आपका फोल्डर आपको टेबल पर नहीं रखना है, क्योंकि वहाँ पर टेबल भी होगी, लेकिन ये बिल्कुल अवॉइड करना है, टेबल पर आपको फोल्डर नहीं रखना है। और आपको सिर्फ अपना फोल्डर को अपने लैप में रखना है और अपने आपके हैंड्स भी आपके लैप पर ही होने चाहिए। एक चीज़ और जो अवॉइड करना बहुत ज़रूरी है वो यह है कि कुछ बच्चों की हैबिट होती है कि नेल बाइटिंग करना या अपने फेसेस बनाना, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल अवॉइड करना है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि आप मिरर में अपनी प्रैक्टिस कीजिए या फिर वीडियो से रिकॉर्डिंग बनवाइए, जिसमें आपकी सारी जो हैबिट्स है या फिर कुछ आपको लगता है कि मुझे ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, ऐसे एक्सप्रेशन नहीं देने चाहिए थे, उनको आप ठीक कर सकते हो। तो आपको ये चीज़ें भी बहुत ध्यान रखनी है। जैसे इस पिक्चर में ये लड़की नेल बाइटिंग करनी है कर रही है, तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है वहाँ पर। अभी तक हमने जितनी भी बात की वो सिर्फ बेसिक चीज़ों की बात की है, और अब हम जानेंगे कि आपको बेसिक एकेडमिकल नॉलेज कितनी होनी चाहिए इंटरव्यू में। पहला और सबसे मेन पॉइंट है सिलेबस का पता होना। जैसे आप अगर पीआरटी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपको फर्स्ट टू फाइव की बुक्स का नॉलेज होना चाहिए, सिलेबस का पता होना चाहिए। अगर आप टीजीटी के लिए जा रहे हो तो टेंथ क्लास तक, और अगर आप पीजीटी के लिए जा रहे हो तो ट्वेल्थ तक। सेम फॉर म्यूजिक टीचर्स, अगर वो म्यूजिक मतलब पीआरटी के लिए जा रहे हो तो उनको सबकी नॉलेज होनी चाहिए, सिलेबस कौन सा है, बुक्स कौन सी है और चैप्टर्स कौन से हैं। तो वो बुक्स के नाम भी पूछ लेते हैं, जैसे थर्ड क्लास में मेरी दुनिया है या मेरी दिल्ली है, और अगर ईवीएस में है जैसे आसपास है, तो वो बुक्स के नाम भी पूछ लेते हैं। इसलिए आपको बुक्स से गो थ्रू होना बहुत ज़रूरी है, आपको सिलेबस का पता होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका फुल फॉर्म्स का। फुल फॉर्म्स पता होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो एक परफॉर्मा फिल करवाते हैं जो कि 4 to 5 पेजेस का होता है, और उस परफॉर्मा में आपको अपना बायोडाटा और क्वालिफिकेशंस वगैरह सब कुछ लिखना होता है कि आपने किस इंस्टीट्यूट से, किस बोर्ड से आपने अपनी पढ़ाई की है। तो वहाँ पर अगर आपका जैसे एनसीईआरटी से आपके 12th हुई है, 10th हुई है, और आपका डाइट एससीईआरटी से हुई है, और जैसे सीटेट सीबीएसई से हुआ है, तो आपको इन सब की फुल फॉर्म्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी की क्या फुल फॉर्म है, सीबीएसई की क्या फुल फॉर्म है, डाइट की क्या फुल फॉर्म है।
फुल फॉर्म्स पता होने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि इनका ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कब हुई थी, एनसीईआरटी की बॉडी कब सेटअप हुई है, एससीईआरटी की कब सेटअप हुई है, इनके हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है और ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये सब आपको पता होना चाहिए। डाइट में कितनी डिपार्टमेंट है, ये कॉमन चीज़ें, बेसिक चीज़ें आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। तो वो फुल फॉर्म्स इसलिए पूछते हैं क्योंकि आपके परफॉर्मा में शॉर्ट फॉर्म्स लिखी होती है, क्योंकि उसमें स्पेस कम होता है, तो आप एनसीईआरटी के फुल फॉर्म ना लिख करके एनसीईआरटी लिखते हैं। और सीएससी, डाइट, एससीईआरटी, सीटेट, सीटेट के भी फुल फॉर्म पता होना जरूरी है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो आपको पता होना जरूरी है। पॉइंट है आपका सब्जेक्ट नॉलेज का, तो सब्जेक्ट नॉलेज में आपको अपने सब्जेक्ट्स का प्रॉपर पता होना ज़रूरी है। जैसे हमें अगर ट्वेल्थ पास आउट किए हुए बहुत साल हो गए हैं तो हम कहीं ना कहीं हमें फ्लुएंसी से हम अपने सब्जेक्ट्स में नहीं बता पाते हैं, तो वो चीज़ वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए आपको ट्वेल्थ के अपने पूरे सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए, कौन कौन से आपके सब्जेक्ट्स हैं, पाँच है या छः थे, जो भी है। और इसके अलावा आपको अपने डाइट के सब्जेक्ट्स पता होने चाहिए। डाइट में जैसे कि हमें पता है कि 11 और 12 सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, टीचिंग ऑफ इंग्लिश, टीचिंग ऑफ साइंस, टीचिंग ऑफ सोशल स्टडीज, तो आप ये सब आपको पता होने चाहिए कौन कौन से हैं। हो सकता है कि वो आपको बीच में ही रोक दे क्योंकि 10-11 सब्जेक्ट्स वो नहीं सुने, लेकिन आपको पता होना चाहिए, आपको एक फ्लुएंटली आपको बोलना चाहिए। और नेक्स्ट है कि अगर आप अपना ग्रेजुएशन शो कर रहे हैं तो उनका भी पता होना चाहिए। तो आपको अपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स का पता होना बहुत ज़रूरी है। एक फ्लुएंसी के साथ आप अपने सब्जेक्ट्स को बता पाए तो वो चीज़ होना वहाँ बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हिस्ट्री ऑनर्स किया है या पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स किया है या किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स किया है तो वो भी आप बता सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका गैप ईयर का। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि आप जितना कम क्वालिफिकेशंस अपना शो करते हो इंटरव्यू टाइम में तो उतने ही इजी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये बात सच है, लेकिन अगर आपका जो अगर ट्वेल्थ है की है आपने पास आउट, तो ट्वेल्थ का वहाँ पर ईयर भी मेंशन करना पड़ता है और आपका जो जिस ऑर्गेनाइजेशन से किया है, एससीईआरटी से, एनसीईआरटी से, वो सब भी आपको वहाँ मेंशन करना होता है। उसके बाद डाइट जब की है उसका भी ईयर मेंशन करना होता है और जो इंस्टीट्यूट से किया है वो सब आपको मेंशन करना होता है किस बॉडी से किया है। तो इसमें क्या होगा कि आपने अब जैसे मान लीजिए 2010 में आपने ट्वेल्थ की, उसके बाद आपने 2012 तक आपने की अपनी डाइट, और अब आप दे रहे हैं 2018 में इंटरव्यू, तो क्या होगा वो मैं बताती हूँ। आप जो आपका परफॉर्मा होता है उसमें आपके 3 कॉलम्स होते हैं क्वालिफिकेशंस के, जिसमें आपको प्लस 2 ट्वेल्थ लेवल का लिखना होता है, आपका ईयर, बोर्ड और परसेंटेज, और फिर उसके बाद आप प्रीफर करते हैं कि डाइट का लिखे और सीटेट का लिखे। लेकिन उसके बाद आपको जो आपके ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो उसमें लिखने का स्पेस नहीं होता है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट से अपना जो आपका पेज है दोबारा से वो स्कैन करवा के और उसमें कॉलम्स इंक्रीज करवाने होते हैं, और उसके बाद आपको अपना बीए और एमए मेंशन करना होता है। और अगर आप नहीं कर रहे हैं तो आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ ले जाने होंगे जो कि वहाँ पर वेरीफाई होंगे। और अगर आपसे पूछा जाए इंटरव्यू में कि आपने 2012 के बाद क्या किया, आप क्या कर रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया क्या, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं कि हमने बीए किया या एमए किया है। तो अगर वो पूछ लेते हैं तो आपको बताना ज़रूरी होगा अगर इंटरव्यूअर पूछते हैं, और अगर नहीं पूछ रहे हैं तो आप नहीं भी बताएं। कुछ बच्चे समझ नहीं पाए होंगे कि मैंने एक बार तो कह दिया कि आपको अपना बीए एमए भी शो करना है और ये भी बोल दिया कि आप अगर नहीं पूछे तो मत बताइए। तो मेरा मतलब ये है कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होते हैं वो दूसरे रूम में होते हैं और आपका जो इंटरव्यू होता है वो दूसरा पैनल ले रहा होता है। तो आपका जो डॉक्यूमेंट्स वेरीफिकेशन में आप अपने बीए एमए वगैरह दिखा सकते हैं और अपना जो इंटरव्यू रूम में अपना वो एज इट इज परफॉर्मा ले जा सकते हैं, जैसे कि मैंने भी ऐसे ही किया था। जो उनका जो परफॉर्मा था वही 3 कॉलम वाला, उसमें सिर्फ ट्वेल्थ और डाइट एंड सीटेट फिल किया था, और जब उन्होंने पूछा कि आप उसके बाद क्या कर रहे हैं तो मैंने उनसे रिप्लाई कर दिया था। तो अगर वो नहीं पूछे आपको कि आप उसके बाद क्या कर रहे हैं तो वैसे ही रहने देना, और अगर वो पूछ ले तो आपको बीए के सब्जेक्ट्स और एमए के सब्जेक्ट्स बताना ज़रूरी है। बच्चा आपका नेक्स्ट पॉइंट है फेवरेट सब्जेक्ट का। फेवरेट सब्जेक्ट से यहाँ मेरा मतलब है कि कुछ इंटरव्यू पैनल्स में टीचर्स पूछ लेते हैं कि बच्चा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, तो आपको बताना होता है। आप ये भी कह सकते हो कि मैम मेरे सारे एवरेज सब्जेक्ट्स हैं, कोई फेवरेट नहीं है, लेकिन वो पूछ ही लेते हैं। कुछ इंटरव्यू पैनल्स में ऐसा होता है और वो आपको फेवरेट सब्जेक्ट, जैसे आपने बोल दिया हिस्ट्री तो वो हिस्ट्री से क्वेश्चंस पूछेंगे डेफिनेटली है भैया। मतलब कि अगर आपको जैसे आपको बेसिक चीज़ें पता होने चाहिए, जैसे फर्स्ट मुगल एम्परर कौन था और बैटल ऑफ पानीपत कब कब हेल्ड हुई,
और तो ये सब चीज़ें आपको कितने प्रोविंसेस में हमारा इंडिया डिवाइडेड था, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, चाहे वो एंशियंट है, चाहे वो मॉडर्न है, चाहे वो मिडाइवल है। तो एक सब्जेक्ट आपको बिल्कुल आपको ऐसा होना चाहिए जिस पे आपकी पकड़ हो। सपोज आपने पॉलिटिकल साइंस कह दिया, तो आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, आपको लॉज के बारे में, आपको फंडामेंटल राइट्स के बारे में, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो एक सब्जेक्ट तो आपको ऐसा होना ही चाहिए जिस पे आपकी पूरी कमांड हो, और अगर वो फेवरेट सब्जेक्ट नहीं पूछ रहे तो वो डेफिनेटली आपके उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछेंगे जिससे आपने अपने ग्रेजुएशन किया है। जिस भी सब्जेक्ट का आप नाम लेंगे, जैसे आपने 12th में किस किस सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट थे आपके पास, तो उनमें से क्वेश्चन पुटअप हो सकता है, या फिर ग्रेजुएशन में कौन से थे उनसे क्वेश्चन पुटअप हो सकता है। तो वो सब्जेक्ट कंसर्न सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन भी पुटअप करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है जिस पर आपको बहुत ध्यान रखना है, वो है आपके करंट इश्यूज। तो आपको अपनी सोसाइटी में जो हमारे करंट इश्यूज चल रहे हैं, जो करंट अफेयर्स है, अभी रिसेंट क्या हो रहा है, तो वो सब आपको पता होना ज़रूरी है। तो कुछ सिचुएशंस ऐसी होती है जिसमें आप अपना अपनी तरफ से कुछ आंसर देना पड़ता है, और उसमें आप अपना, जैसे उन्होंने पूछ वे पूछ लेते हैं, जैसे आपका पीएम कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, ये सब पूछ लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। रीसेंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, तो उन सब की प्रॉपर नॉलेज होने के लिए आपको न्यूज़पेपर रीडिंग करना बहुत ज़रूरी है, और आप अभी से स्टार्ट कर दीजिए अगर आपने नहीं स्टार्ट किया है तो। और इसके अलावा हम अपनी वीडियोज़ भी देंगे करंट अफेयर्स पर, और उसको भी आप देख सकते हैं, जो कि आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। करंट इश्यूज़ में जैसे आपकी राफेल डील है, कहाँ पर सुनामी आई है, स्टॉर्म आई है रिसेंटली, वो सब। और न्यूज़पेपर में अगर आपकी कोई भी एजुकेशन से रिलेटेड न्यूज़ आती है, तो वो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि एनसीईआरटी में क्या हो रहा है, या कुछ भी ऐसा न्यूज़ आती है तो वो आपको पता होनी चाहिए। और इसके अलावा आपको जिन स्टेट्स में रिसेंट इलेक्शंस हुए हैं और उनका पता होना चाहिए, और वहाँ पर कौन सीएम बना है, तो वो सब चीज़ें आपको पता ज़रूर होनी चाहिए। इसके अलावा आपको ज़रूरत है कि आपको MHRD की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है वो पता होना चाहिए, क्योंकि आप एजुकेशन फील्ड में ही जा रहे हैं। और अगर कोई चीफ मिनिस्टर या कोई भी मिनिस्टर, चाहे वो यूनियन है या स्टेट है, ज़्यादा हाईलाइट रहा है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे पहले लालू प्रसाद यादव पर थोड़ा सा जुर्माना हुआ था, तो उसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। तो जो भी आपकी हाईलाइटेड न्यूज़ होती है वो आपको पता होना चाहिए, चाहे वो पॉलिटिक्स की है, चाहे वो सोशल कुछ कुछ भी इन्वेंशन हुआ है, तो ये सब आपको पता होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपको बेसिक चीज़ें यही है कि आपको अपनी कंट्री के बारे में तो पता होना ही चाहिए कि कितनी स्टेट्स हैं, उनकी कैपिटल क्या है, और हमारे प्रेसिडेंट कौन है, पीएम कौन है, और जिस भी आप स्टेट में हो उनके सीएम कौन है और गवर्नर कौन है, मतलब जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो, चाहे वो दिल्ली है, हरियाणा है, वहाँ पर सीएम कौन है, और वहाँ पे एजुकेशन मिनिस्टर तो हमारे यूनियन का ही है और स्टेट का भी होता है, तो वो सब आपको पता होना चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का बेनिफिट हो सके, उनको सही टिप्स मिल सके इंटरव्यू के। और अगर आपके माइंड में कोई भी डाउट है इंटरव्यू के रिगार्डिंग, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल पूछ सकते हैं, और आपका जो जो भी डाउट होगा वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर कवर करने की कोशिश करूँगी। और इसमें आप सब्सक्राइब कर दीजिए हमारा चैनल, और बेल बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि नई नई जो वीडियोस आएगी उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो आपने ये वीडियो देखी उसके लिए थैंक यू, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर।